मिली ओम के लिए आपको एक बात खास ध्यान ये रखनी है कि इस मिली ओम मीटर को जब आपने लगाया हुआ है तो उस समय में आपके मदरबोर्ड के अंदर पावर होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ओम्स की रेंज के अंदर जैसे काम करता है, जैसे कि हमारा ओम्स की रेंज के अंदर हम मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं, तब उस समय में हम पावर सप्लाई को लगाते नहीं हैं। तो इसके अंदर भी यही नियम लागू होगा। अगर आपने गलती से वोल्टेज चालू है और इसके इसके द्वारा अगर चेक करने गए तो उस समय में हो सकता है कि ये आपका ख़राब हो जाए। तो आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जब वोल्टेज हो तब आपको चेक नहीं करना है। तो जैसे ही समझो कि मैं इसके अंदर इस मदरबोर्ड के अंदर रैम सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है, तो मुझे कोई भी रेगुलर मीटर से मैं जब चेक करता हूँ ये मुझे 1 ओम्स की रेंज मुझे बता रहा है। तो 1 ओम्स की जब रेंज बताता है, मैं अभी उसको पहले एक बार नॉर्मल मीटर से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अभी इसके अंदर मैंने अभी अपने रेगुलर नॉर्मल प्रॉब रख दिए हैं और उस पर 1 ओम्स की रेंज के अंदर रखा है। तो जैसे ही मैं इस मदरबोर्ड के अंदर रैम सेक्शन को चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ओम्स इस तरह से बता रहा है, 1 ओम्स, 0.01 ओम्स, यानी कि ये 1 ओम्स के आसपास की वैल्यू मुझे बता रहा है। वैसे ही समझो कि भी इसके आजू बाजू के जो कोई भी कंपोनेंट, जो भी PF है, MOSFET है, यहाँ पे वो सब जगह पे मुझे 1 ओम्स के करीब की वैल्यू मुझे यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक 1 ओम्स की रेंज बता रही है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रैम की जो सर्किट है, रैम का जो सप्लाई जो जाता है, जैसे कि रैम सेक्शन में जाता है वैसे ही अपने CPU के अंदर भी जाता है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि इस कॉइल को ओपन करूँगा और ओपन करके चेक करूँगा कि क्या आगे की लाइन शॉर्ट है या फिर यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग है। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि मैं मिली ओम से अगर उसको चेक करता हूँ तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम यहीं पर है या फिर यहाँ पर है। तो एक मैं लगा देता हूँ मिली ओम्स। तो आप अभी मिली ओम्स मीटर को लगा दीजिए और इसको सेट कर लीजिए DC की रेंज में, और मैंने सेट करके रखा है 2 वोल्ट DC की रेंज। ये 2 वोल्ट की रेंज के अंदर मैंने इसको सेट कर लिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू बताएगा अभी कौन सी बताएगा, तो यहाँ पे 2.777 ओम्स, इसका मतलब ये होता है, यानी कि 2.7 ओम्स होता है अभी जब प्रॉप दोनों ओपन है तब। तो इसके बीच में अभी जो भी आएगा वही उसकी वैल्यू बनेगी। तो इसको पहले मैं कैलिब्रेट कर लेता हूँ कि इन दोनों प्रॉबों का टोटल ओम्स कितना मिली ओम्स है। तो मैंने एक पैड के ऊपर रखा, तो इन प्रॉबों का मिली ओम्स है 0.082। तो यहाँ पे 82 जो है वो मिली ओम है इस प्रॉब का। अभी इसके बीच में जो भी आएगा उसकी वैल्यू बताएगा। तो मैं इस लाइन फिल्टर के ऊपर जब चेक करता हूँ रैम वाले में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.603 मिली ओम्स। तो जब नॉर्मल मीटर था तब इसको ये 1 ओम्स बता रहा था, तो अभी हम लोग मिली ओम्स में चाह रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे सस्पेक्टेड टेस्ट करता हूँ, जैसे कि रैम की पूरी लाइन सप्लाई को मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये लाइन CPU की ओर भी जाती है। और इसके अंदर मैंने टेस्ट किया है कि CPU वाली जो लाइन है वहाँ पर वैल्यू मिल रही है 596 मिली ओम्स। तो सस्पेक्टेड मेरा अभी यही बनेगा, यानी कि CPU के अंदर जाने वाली लाइन ही शॉर्ट है। तो यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग है यहाँ पे। तो अगर मैं इस लाइन फिल्टर को अभी उठा निकाल भी देता हूँ तो भी मुझे शॉर्टिंग बताएगा, रीज़न है क्योंकि इसका CPU शॉर्ट है। तो इस तरह से CPU आपका शॉर्ट है या फिर पर्टिकुलर सेक्शन शॉर्ट है, तो हम ऐसे मिली ओम्स की रेंज से हम चेक कर सकते हैं। और एक बात मैं फिर से दोहराता हूँ, जब आप मिली ओम्स की रेंज से उसको चेक कर रहे हैं तब आपके मदरबोर्ड के अंदर कोई भी पावर होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको मदरबोर्ड के अंदर शुरुआत के अंदर वोल्टिंग सेक्शन जो होता है, उस वोल्टिंग सेक्शन के अंदर शुरुआत के अंदर इस तरह से आपको एक रजिस्टर दिखाई देगा, जो रजिस्टर है 0.01, यानी कि ये 10 मिली ओम्स का एक रजिस्टर होता है, जो ACP और ACN जो चार्जिंग IC के अंदर जो जाता है, यानी कि इसकी करंट रेटिंग जो है उसको नापने के लिए ये सिग्नलों का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसको भी चेक करना है, यानी कि इस रजिस्टर को चेक करना है, तो आपका नॉर्मल मल्टीमीटर इसको 1 ओम्स की वैल्यू ही बताएगा, लेकिन हम लोग मिली ओम्स के द्वारा भी इसको जान सकते हैं कि ये क्या हकीकत में 10 मिली ओम्स का रजिस्टर है। तो उसके लिए एक तरीका है इस तरह से कि आपको सबसे पहले मिली ओम मीटर लगा देना है और आपका मल्टीमीटर की जो रेंज है वो 2 वोल्ट के ऊपर रख दीजिए। तो यहाँ पर एक रजिस्टर है,
उस रजिस्टर के ऊपर जो नंबर लिखा है वो लिखा है R010 यानी कि 10 मिली ओम्स। तो सबसे पहले मैं कैलिब्रेट कर लेता हूँ मेरे दोनों प्रोबो को। तो मेरे प्रोबो का टोटल वैल्यू कितना है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्रोब का वैल्यू है 81 मिली ओम्स और अभी मैं इस रजिस्टर को चेक करता हूँ तो ये 91 के करीब आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 91 आपको दिखाई देगा, तो 91 के आसपास ये 91 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना 10 मिली ओम्स का रजिस्टर भी चेक कर सकता है। तो इसके अंदर 1% का एरर रहेगा, आपको शायद प्रॉप बराबर टच ना हुआ हो तो एक आध पॉइंट प्लस माइनस बता सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे 10 मिली ओम्स का रजिस्टेंस है वो भी आपको इस मिली ओम्स की द्वारा आप जान सकते हो।